गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के ब्लॉग जो है शुरू होती है आफ्टरनून से, और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। और टुडे इज संडे, और आपको जैसे कि पता होगा संडे मैं बहुत फ्री रहती हूँ, इसलिए खुशी को थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। और आज के मतलब संडे में मैं ट्यूशन से फ्री रहती हूँ, स्कूल की पढ़ाई खुशी काम खुशी काम काम गाइज। रिटर्न करते करते बहुत लेट हो गया था, टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और मैं जो ये फ्लिपकार्ट से एक टोक्यो टोकीज मैक्सी ड्रेस मंगाया था, जिसका रिसीव मेरे को मॉर्निंग में हुई थी, और मैं अभी जो है आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कैसा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा बिग बिलियन डेज में बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाती है, कोई भी चीज़ मिल जाती है। और मैंने जो ये मंगाया था ये अच्छे प्राइस में थे, MRP जो था इसका 1850, और मेरे को बिग बिलियन डेज में लास्ट साइज का जो है प्राइस बता रही हूँ 307 में पड़ा, बहुत अच्छे रेट में मेरे को पड़ा। ये मैक्सी ड्रेस, ये जो है मैक्सी ड्रेस है,
रेगुलर यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। बस मेरे को थोड़ा सा लार्ज साइज मैंने मंगाया था, पर इसका जो है लार्ज साइज में बहुत ही मेरे को ज्यादा ढीला लग रहा है, मतलब लूज लग रहा है, कम से कम 1 इंच के करीब मेरे को लूज लग रहा है। तो जैसे मैंने रिसीव किया है तो मैंने सोचा नहीं अभी तक, और इसको पहनती हूँ तो मेरे को भी लूज लग रहा था, पर अच्छे प्राइस में मेरे को मिली और अच्छा है। सो अभी जो है ना, मतलब टाइम भी बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि खुशी के लिए और मेरे लिए कुछ स्नैक्स बनाओ। 2 दिन से भजिया भजिया बोल रही थी, तो मैं कुछ ऐसा पकौड़ा बोलते हैं ना, तो वो बनाने जा रही हूँ। सिंपल मैंने आलू यहाँ पर जो एक बड़े पोटैटो उसको कट करके उसमें 5-6 चम्मच बेसन आर के, और मैं यहाँ पे बनाते बनाते जैसे मेरे को इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है कढ़ाई में पहले तेल यहाँ पे ऐड कर दिया है। पहले तो कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल ऐड कर दिया और स्लो फ्लेम पर रखा है, क्योंकि स्लो फ्लेम पर रखने से क्या होता है, यहाँ पर तेल गर्म भी हो जाता है, उसके साथ साथ मेरे को जो है यहाँ पर बनाने ये गर्म भी हो जाएगा, एक साथ काम हो जाएगी, इसीलिए मैंने कढ़ाई को जो है स्लो फ्लेम में रखा है। और गाइज यहाँ पर जो है बेसन में मैंने जो है बेसन और आलू, एक बड़ा सा मैंने पोटैटोज लिया था, उसमें मैंने हल्दी और मिर्ची पाउडर और नमक ऐड किया है एज पर टेस्ट, एंड उसके साथ साथ मैंने हरी मिर्च नहीं ऐड किया है, जैसे कि मैं खुशी और मेरे लिए बना रही हूँ, और खुशी बहुत छोटी है अभी, हरी मिर्च ज़्यादातर हम लोग खाते हैं, तो मैं बनाती हूँ, मतलब हरी मिर्च डालती हूँ, नहीं तो खुशी खाती है, जब खुशी के लिए बनाती हूँ और मेरे लिए बनाती हूँ तो मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। और बाकी इसमें मैंने करी पत्ता डाला है, और करी पत्ता डालने के बाद यहाँ पर जो है बेसन को, जैसे कि बेसन का पकोड़ा है तो मीडियम रखना होता है, ज़्यादा पानी पड़े नहीं रखना होता है, नहीं तो ज़्यादा थिक भी नहीं करना होता है, इसलिए मीडियम करने के लिए यहाँ पर जो है मैंने बेसन की ज़रूरत जो है बीच बीच में मेरे को ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि आने के बाद जो है ना भूख बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था दोनों का, इसीलिए। और जैसे कि मैं शाम के टाइम जब होती है खुशी को कुछ ना कुछ मैं पीने के लिए दे देती हूँ, लाइक दूध बनबीटा ऐसा कुछ दे देती हूँ, पर जैसे कि मेरे को पता था कि मैं कुछ बना रही हूँ, मतलब तेल की चीज़ बनाने वाली हूँ, तो मैं इसको कुछ भी नहीं दिया था, तो उसको भी भूख लगी थी और जल्दी जल्दी भी बनानी थी, और इसके चक्कर में जो ये पानी ज़्यादा हो जाता था और बेसन कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत जो है लेट हो रही थी, और फिर भी मतलब अच्छे से मैंने कर दिया। उसके बाद जो है मैंने देखा और मतलब मेरे को जैसे कि बेसन के जब मैं बनाती हूँ कुछ भी बनाती हूँ, तो एक बार मैंने अच्छे से बनाने के बाद जो है हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें फ्राई करना होता है और डालना भी होता है, तो एक हाथ में सब गंदे हो जाते हैं, गैस भी गंदे हो जाते हैं, इसीलिए मैं जो है पहले स्पून का उस समय जो है स्पून का यूज़ करती हूँ, और कोई फ्राई करने वाला होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक साथ जो है हाथ में ही फ्राई कर ले, मतलब हाथ में ही बेसन का जो ऐसा फ्राई होती है ना, फ्राई करने के लिए मैं ही बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जैसे कि मैं अभी अकेली बना रही हूँ तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ईजी हो जाता है स्पून में करना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना मेरे को फिर से बेसन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी थी, तो इसलिए मैंने फिर से इसमें जो है बेसन ऐड किया और मैंने बनाया, फिर से बेसन डाला, और जो है ना मेरे को कुछ ज़्यादा ही ऐसे पानी पानी लग रहा था, और इतना लेट हो रहा था और भूख भी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो जो भूख ज़्यादा लगे तो क्या कर सकती हूँ, इसीलिए जो ऐसा हो रहा था आई थिंक। और गैस को जो है मैंने मिडल फ्लेम में रखा है, क्योंकि जल्दीबाजी में जल भी जा सकता है, इसलिए हमेशा छनने का टाइम जो है मिडल फ्लेम में रखना चाहिए, तो इसमें क्या ब्राउन हो जाता है और जल्दी जल्दी हो भी जाता है, बीच बीच में हाई फ्लेम कर सकते हैं, पर ज़्यादातर क्या होती है ना ध्यान भटक जाता है और आप इधर उधर के काम करो और पकौड़ा जो होता है वो जल जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है बेसन को डालकर एक थिक पेस्ट बनाया और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 by 1 जो है अच्छी तरह से जो है मैंने सभी को फ्राई करने की कोशिश किया, और खुशी को भी भूख लग रहा था बीचों बीच में, इसीलिए मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा हॉल पे बैठ के आप साइकिल में खेलो और खिलौना देकर आई थी, और मैं यहाँ पे जो है बनाकर आपको बुलाती हूँ।
छोटे बच्चे होते तो उनको भूख ही लगता है, और खुशी जो है उसको मीठा चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, लाइक मीठा बिस्किट भी होता तो नहीं खाती है, सादा बिस्किट भी नहीं खाती है, तो बहुत सारे ऐसा कम बिस्किट है जो कि उसको पसंद है और वो चीज़ वो खाती है, और एक दो बार खाएगी बस हो गया, वो नहीं खाती है, वन नहीं तो टू बस हो गया, नहीं तो नहीं खाती है। तो इसीलिए जो है मैंने उसको बिस्किट भी मतलब देती हूँ तो ऐसा ही करती है, और नमकीन वगैरह भी वो खाती है, बहुत कम खाती है, नमकीन तो खा लेती है पर मीठा चीज़ उसको नहीं पसंद, लाइक कोई भी मीठा हो, मतलब सिमैया हो, खीर हो, अदर कोई भी, पर स्वीट में उसको चॉकलेट ही पसंद है, चॉकलेट बस खाती है बस, और कुछ नहीं। मीठा में जो होती है ना कैडबरी वाले बिस्किट वो भी बहुत कम खाती है, एक दो बस हो गया। इसीलिए मैं जो है उसके लिए बना रही थी और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनानी थी, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट में मैंने CRB किया था, जब किचन में होती हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और इसीलिए किचन में स्पेशली मैं कोई भी काम के लिए एक काम के लिए खड़ी नहीं होती हूँ, कोई एक काम के लिए खड़ी भी होती हूँ तो भी कोई दूसरा काम कर लेती हूँ, लाइक जब चावल दाल भी चढ़ाती हूँ तो मैं गैस सब सफाई और उसके साथ साथ बर्तन ये सब कर लेती हूँ, एक बार से सब काम हो जाए इसीलिए मैं कर लेती हूँ। और ज़्यादा टाइम किचन में गर्मी से वजह से फर्स्ट एड भी लगता है, इसीलिए एक ही टाइम में जो है काम करते करते टाइम भी पता नहीं चलता है और काम भी हो जाती है इसीलिए। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की, और बेसन और जो मैंने पकौड़ा के लिए जो मैंने मिक्स किया था उसको अच्छी तरह से मैं डाल रही हूँ। गाइज यहाँ पे जो है मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ, और अच्छी तरह से फ्राई कर रहा है इसको, और जैसे कि दोनों साइड में अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मेरे को जो है अच्छी तरह से इसको निकालना है, और इसीलिए मैं जो है इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है अभी। और इसको जो है मेरे को साइड में भी आधा आधा रखना था, क्योंकि खुशी के लिए भी मेरे को जो है बनानी थी, और मेरे लिए जो है मतलब खुशी के लिए थोड़ा सा ठंडा ठंडा मेरे को निकालना था, क्योंकि वो गरम गरम नहीं खा पाएगी, और इसीलिए मेरे को जो है निकालना था, और इसीलिए मैंने इसको साइड में थोड़ा बहुत रखा था, और उसके साथ साथ मेरे लिए भी जो है मैंने साइड करके भी रखा था, और यहाँ पे जो है मतलब अच्छे से बन रहा था, और खुशी अकेली में खाती है तो पूरा गंदा कर लेती है, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ही साइड से दे दिया था खाने के लिए, और बाकी हम लोग साथ में जो है खाए थे लास्ट में, और जो है बहुत ही अच्छा अभी लुक आ गया है, क्योंकि ब्राउन ब्राउन हो जाता है, और आलू को जो आप मीडियम फ्लेम में रखते हुए जलता भी नहीं है, अच्छे से जल्दी भी पक जाती है, तो आलू मैंने जो है जल्दी बाजी में जो है मोटे मोटे भी काट लिए थे, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था, भूख भी ज़्यादा था जैसे कि आपको बता रही हूँ। और खुशी यहाँ पर बीच बीच में आ जाती थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे मेरे पास खड़े होके तो थोड़ा बहुत खेल यहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि अकेले वो बैठती है तो घूम मर के पूरा बैठ जाती है, क्योंकि उसको बोरिंग लगता है और बस और कुछ नहीं, और मैं उसके पास रहती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने देती हूँ तो भी अच्छा लगता है इसको, नहीं तो अकेले बच्चे जो होते हैं बहुत बोर हो जाते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे जो है अभी बना लिया था, अच्छी तरह से बना लिया था, और उसके साथ साथ जो है मैंने टमाटो सॉस और भेज मेयोनीज ये सब जो है निकाल कर खुशी को खाने के लिए दिया था,
खुशी बस थोड़ा सा ही खा रही थी, बस मम्मी तुम आ जाओ ऐसे ही बोल रही थी, पर मेरे को और भी निकालना था तो इसीलिए मैं नहीं जा पा रही थी। और गाइज मैं आप लोगों को जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया, एक सरप्राइज़ है जो कि मैंने घर पे एक बहुत ही अच्छे से प्लांटिंग किया है, तो वो वाला मैंने बाद में दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ है जो कि मतलब अच्छा तो है, कहीं ना कहीं उसमें मतलब मेरे को थोड़ा सा बैड फील हुआ था, इसलिए वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो स्टार्टिंग में मैंने दिखा है ना प्लांटिंग, एक्चुअल में मैंने वो जो है प्लांटिंग किया है मेरे किचन के साइड में, तो मैंने जो है उसका जब पौधा आ जाएगा तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया था, वो मेथी एक्चुअल मैंने डाला है और किचन के साइड में डाला है क्योंकि वो साइड में कम धूप आता है और मेथी जहाँ पे हम रखते हैं तो इतना धूप नहीं चाहिए होता है, इसलिए मैंने उस साइड में रखा है। और गाइज अभी जो ये बन गया था अभी हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, अच्छा लगेगा। और शाम के टाइम हुआ था कम से कम 7:30 के आसपास, तो जो ये खुशी बहुत एंजॉय कर रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए ऑलरेडी मैंने साइड करके रख लिया था, ठंडा ठंडा जो है, गरम गरम वो नहीं खा पाती, इसीलिए मैंने वो भी बहुत एंजॉय कर रही है। सो गाइस आज के मेरा जो आफ्टरनून से लेकर यानी कि इवनिंग का जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। ये संडे का स्पेशल ब्लॉग था इवनिंग के लिए, इवनिंग का, और मैंने आप लोगों के साथ जस्ट शेयर किया है और आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और सो गाइज मेरे फैमिली में आप लोग ज्वाइन हुए हो, मेरे को बहुत सारे सपोर्ट दे रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक देना आपकी तरफ से, और उसके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड सर्कल से ज़रूर शेयर करना। और उसके साथ साथ चैनल में मेरा नए है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के को ज़रूर ऑन रखना। बाय बाय एंड सी यू सून एंड जय जगन्नाथ।